नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन रिटचिंग इन फोटोशॉप सीसी इन हिंदी। आज हम समझेंगे कि स्किन रिटचिंग कैसे करना है बिना किसी सॉफ्टवेयर प्लगइन के मदद से, ये चीज़ कैसे काम करती है, क्या क्या प्रोसेस होगा, नॉर्मल वे में फिल्टर काम करता है, वो भी चीज़ मैंने फोटोशॉप CS3 7.0 और फोटोशॉप CC सब में लगभग समझाया हुआ है। नहीं समझ में आता है तो दोबारा से पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे, कोशिश करूंगा कि उस चीज़ का सॉल्यूशन दे पाऊँ। देखेंगे यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार के प्लगइन फिल्टर का यूज़ नहीं करूँगा, रेंडमली एक टूल्स होता है उसको चला के देखेंगे कि वो चीज़ कैसे काम करेगी। बने रहिए आप हमारे साथ अभी तक आपने। हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर रेगुलर प्रीमियम फोटोशॉप की डिजाइनिंग, ऐसी डिजाइनिंग लेके आता हूं। एल्बम रिलेटेड, फोटोग्राफी रिलेटेड, फोटोज रिलेटेड, एनीबॉडी किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए तो आप आर्ट बालाघाट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको सारी चीजें लगभग समझ में आ ही जाएगी। हिंदी में अपनी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, जो चीज प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है। उसके अलावा एनी डेस्क की भी सुविधा आपको देता हूं, कभी कोई प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे आओ, एनी डेस्क से आपका कंप्यूटर में चेक करके बताऊंगा कौन सी प्रॉब्लम कहां आ रही है। अब हम बात करेंगे कि फोटोशॉप में इसको सीसी फोटोशॉप में मैं लेके आऊंगा और यहाँ देखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चीज़ क्या है, कैसे कैसे चीज़ें काम करेगी, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कि यहाँ पर देखेंगे इस फोटो को मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ, आंसू का फोटो है, यहाँ से देखेंगे जूम आउट करके कि ये फोटो कैसा है, इसको हम कैसा बनाएंगे, सारे पिम्पल्स और सारे डार्क सर्कल कैसे रिमूव करना होगा। फोटोशॉप ओपन हो चुका है, यहाँ पर यहाँ फुल स्क्रीन कर लूंगा मैं इसे, यहाँ से कट कर लेता हूँ और ये सिंगल क्लिक में मूव करा के लेके आ जाऊंगा फोटोशॉप सीसी में। और यहां से अब देखते हैं कि कौन कौन से अपडेट मेरे को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहां से मैं फोटो का फेस क्लीन करना है, इसीलिए मेरे को सिर्फ इतना ही फोटो चाहिए है। तो यहां रिजोल्यूशन सेट है बाय डिफॉल्ट, यहां पर देखेंगे 46 और 400 का रिजोल्यूशन के साथ है, फोटो सेव है। और इसको मूव करा के थोड़ा इधर और यहां से इसको क्रॉप में क्लिक कर दूंगा, जैसे क्लिक करूंगा क्रॉप हो चुकी है यहां पर और यहां से फिट स्क्रीन कर लूंगा। बस इसकी एक कॉपी बना लेता हूं, जूम करके यहां पर जूम करके रखूंगा इसे। अब यहाँ पर थोड़ा फिनिशिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने वाला हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। एक चीज़ याद रहे, यहाँ पर मूव टूल पे रहने के बाद ये चीज़ मूव हो जाती है इधर उधर, इसलिए मैं इस चीज़ को लॉक कर लूँगा तो मूव नहीं होगी और मेरा काम बहुत आसानी से होगा, इसलिए मैं इसको मूव कराने के लिए मूव ना हो इसलिए लॉक कर लिया हूँ। ध्यान दें, यहाँ पर इसको लॉक किया, इसको अनलॉक भी कर सकता हूँ, लेकिन इस वाले लेयर को अनलॉक तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यहाँ डबल क्लिक ना किया जाए। इसको लॉक करके मूव ना हो बस यही चाहता हूँ। यहाँ से ये लॉक हो गई, इसीलिए और भी सारे काम रुक गए हैं इसके। तो यहाँ से जब मूव करना होगा तब लॉक कर लूँगा, अनलॉक रखूँगा, बाकी टाइम लॉक रखना है इसे। ये थोड़ा सा ब्राइटनेस का कंट्रास्ट बढ़ा लेता हूँ। और यार, इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो पोस्ट किया है मैंने, वो वाली चीज़ कैसे बनाना है क्या है देखेंगे, लाइट वाला एक इफेक्ट बना है उसे हमने, तो वो चीज़ कैसे बनाते हैं वो भी पूछेंगे आप, तो मैं बताऊंगा जरूर, कोशिश करूंगा कि बेस्ट तरीके से समझा पाऊँ। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ सारी चीज़ कर लिया मैंने मेरे समझ से, कंट्रास्ट लाइट ब्राइटनेस बढ़ा लिया है। अब यहाँ से ये टूल लूँगा मैं और यहाँ से थोड़ा सा फिनिश करूँगा, यहाँ से इधर मुँह करा के ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये पिंपल जो हट रहे हैं, इसका मेथड क्या है, तो सिंगल क्लिक में इसको मूव कराना होता है, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके नॉर्मल वे में मूव कराना होता है इसको, ये देखेंगे है ना। यहाँ थोड़ा सा शेडो टाइप का बन गया है तो इसको भी इधर एडजस्ट कर देते हैं। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ से सिर्फ सेट करेंगे, बाकी जगह रहने देने वाला हूँ मैं वैसे ही। कोशिश करेंगे यार समझने की कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा टूल लिया हूँ, क्या लिया हूँ। अगर नहीं समझ में आता इससे ज़्यादा स्लो कैसे समझा सकता हूँ मैं, यही आप लोग ही बताएंगे। अगर कोशिश नहीं समझ में आता तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और स्लो बताऊँ, लेकिन फिलहाल तो यही चीज़ ठीक ही है। यहाँ तक हो गया और यहाँ से कुछ चीज़ों को और जैसे और भी सारे सुधार करने हैं इसमें, लेकिन फिलहाल यही चीज़ काफ़ी है। यहाँ से देखेंगे सिंगल क्लिक में इतनी फिनिशिंग कर लिया आपने एक ही टूल से, देखेंगे पहले पिंपल कुछ इस तरह से थे, अभी पिंपल हट चुके हैं। ये चीज़ हो गई, इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा मैं। यहाँ कॉपी बना लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा और लाइट बढ़ाना है, ब्राइटनेस थोड़ा सा और बढ़ाना, बस इतना काफ़ी है, 3% 4% इतना काफ़ी है और ये मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ही है। तो देखते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद अब इसके आगे का प्रोसेस कैसे काम करता है। यहाँ पर देखेंगे, इधर आएंगे, ये चीज़ फोटोशॉप सीसी ही में ही मिलने वाला है आपको,
उसके पीछे वाले सॉफ्टवेयरों में CS 6 में शायद मिल सकता है, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया हूं, उसको चेक नहीं किया हूं, लेकिन यहां पर मिक्सचर ब्रश टूल जो मिलेगा ये काफी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। यहां से मैं इसको रेस्टोर कर लूंगा एक बार, रेस्टोर, और यहां से मैं इसका यही वाला टूल रहने देने वाला हूं नॉर्मल वे में, और यहां से इधर आके इस वाले बटन को क्लिक कर लूंगा, और यहां से थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूंगा, और उसके बाद इसमें मिक्सचर करूंगा, जूम करके थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करूंगा। देखेंगे यहां से, ये देखेंगे ओवर फिनिश हो रहा है मेरे समझ से, इसलिए एक चीज और करनी है यहां पर आपको, वो चीज ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रशिंग करना है इसके ऊपर, एक नया लेयर बनाना है इसमें और ब्रश करना है इसके ऊपर। कैसे करेंगे भाई, तो इधर आएंगे ब्रश वाले टूल पे वापस, और ये कलर ले लेंगे, यही वाला कलर ले लेंगे, और यहां से मैं इसको थोड़ा सा कलर करूंगा, और इसको कलर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बताऊंगा क्यों जरूरी है, फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी आपको। यहां तक हो गई, इसका ओपेसिटी कर दूंगा 76%, और इसको सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर दूंगा, जैसे ही सॉफ्ट लाइट में क्लिक करूंगा ये इस तरह से आ जाएगा। इसके फिल को भी कर दूंगा 63%, और एक स्नैपशॉट लूंगा, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और ई की बटन के साथ एक स्नैपशॉट आ जाएगा, जो कि यहां देखेंगे एक्चुअल में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये स्नैपशॉट लेने के बाद में आपको इसके ऊपर मिक्सचर ब्रश टूल चलाना है, वो कैसे चलाएंगे, इधर आएंगे यहां पर, और इसको व्हाइट ब्लैक रखेंगे, और यहां से इसको कम कर लेंगे, यहां 50% कर लेंगे, यहां पर भी 50% कर लेंगे, यहां पर 80% कर लेंगे, और ये फ्लो को रखेंगे 50%। अब यहां पर चलाएंगे तो फिल्टर कितने आसानी से होगा ये देखेंगे। इसके ऊपर अभी आपको और ब्रशिंग करनी है थोड़ी थोड़ी, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे काम करेगी ये चीजें। ये ब्लैक कलर में है तो इसको व्हाइट कलर में रखना था मेरे को, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। यहां देखेंगे ध्यान से, ध्यान पूर्वक समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में सारी चीजें आ ही जाएगी लगभग, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है। सारी सेटिंग्स मिला लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर कोई परेशानी आती तो बताएंगे। यहां पर मैंने इवन फोटोशॉप का फिल्टर यूज नहीं किया, यहां पर नॉर्मली जो चीज आपको ब्रश टूल में मिलती वही ब्रश टूल का यूज करके ये फिल्टर कर रहा हूं मैं यहां से सारी चीजों को। तो इस चीज को नोटिस करना होगा आपको और इस टूल्स को समझना होगा, उसके बाद में सारी चीजों को आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और कभी भी रेंडमली ऐसा टाइम आता है कि आपके कंप्यूटर में किसी कारणवश प्रॉब्लम आ गई और इन चीजों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल वे में फोटोशॉप के जरिए सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, और इन चीजों को समझने के बाद आप सारी चीजों का यूज कर पाएंगे। तो देखते हैं यहां तक के प्रोसेस हो गई। इसके बाद में यहां थोड़ा सा कुछ अजीब अजीब सा भी लग रहा है, थोड़ा सा रेंडमली कलर आ गया है, तो यहां से मैं इसको फेदर दे देता हूं थोड़ा 5 का, और यहां थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा कंट्रोल एल के साथ, बस इतना काफी है। और यहां से मेरे को कुछ चीजों को और चेंजेस करने होंगे, वो चेंजेस कुछ ये है कि इसका स्नैपशॉट और एक बनाना है मुझे, यहां से इसका कॉपी बना लूंगा मैं, इसको ऊपर करूंगा, और यहां से इसके फिल को थोड़ा कम कर दूंगा, बस इतना काफी है। और इसका लेवल बढ़ाऊंगा, देखेंगे यहां से अगर लेवल बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा एड हो रहा है, देखेंगे यहां तक हो गया। और उसके बाद ये दोनों को कर दूंगा मर्ज, और मर्ज ना करूं तो कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई के साथ स्नैपशॉट ले लूंगा, बस स्नैपशॉट ले लिया, और देखेंगे आपके सामने थोड़ा सा ये वाला टूल्स लेंगे, और उसके बाद में यहां थोड़ा सा मेंटेनेंस करूंगा मैं। कैसे करूंगा, यहां से अल्टर के साथ इसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करूंगा, यहां थोड़ा मेरे को शेडो टाइप लग रहा है अगर तो, बस बाकी कंप्लीटली आप देखेंगे कि पहला फोटो आपको दिखाऊंगा मैं, और अभी का देखेंगे सिर्फ नॉर्मल टूल से मैंने इसका यूज किया है। सिंगल क्लिक में इस टूल्स का यूज करने के बाद सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करके बताया कि कैसे कैसे चीजें काम करती। उसके अलावा भी यहां से आप हार्डनेस और बाकी चीजों को हाई पास को चलाकर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फिल्टर बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। उसका वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो जाके देखो यार, आर्ट वाला घाट में लगभग सारी चीजें आपको मिल जाएगी। देखेंगे इसका कंपेयर करके तो ये फोटो कुछ इस तरह से थी, अब कितनी जबरदस्त क्वालिटी में ये चीज बन गई है। इसमें और भी ज्यादा लेवल करेक्शन, लाइट वाइट कम ज्यादा, कलर बैलेंस अगर मैं इसमें करूंगा अभी भी फिलहाल, तो भी आपको देखने मिलेगा कि बहुत अच्छे से ये चीज सेट कर गया है मैंने। देखेंगे यहां से अगर थोड़ा बहुत ऐड करूंगा अगर मैं कुछ चीजों को, तो बहुत अच्छे से ये चीज काम कर जाएगी। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, कैसा था ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज थी, मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आओ, कोशिश करूंगा कि आपसे बात कर पाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, जय भी।